20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खंडवा सोफिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा पलक आहूजा का चयन किया गया है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में पलक एजुकेशन सिस्टम को लेकर पीएम मोदी से सवाल करेगी कि स्कूलों में जर्नल प्रमोशन को क्यों नहीं रोका जा रहा। पलक का मानना है कि स्कूलों में मिलने वाला जर्नल प्रमोशन बंद होना चाहिए, इससे छात्रों का बेस कमजोर होता है और आगे बड़ी कक्षाओं में फेल होने पर वे घातक कदम उठाते हैं। मैं सोफिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने एक ऐसे लिखा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो पाया है और मुझे उसमें चांस मिला है हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी से मिलने का मुझे, और इसमें जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी थी वो सिस्टर प्रिया थैरिस है और मेरी टीचर्स और पूरे स्कूल मैनेजमेंट ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और इसी के साथ साथ मेरे पेरेंट्स का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है। क्या सब्जेक्ट था ऐसे का आपने? मेरे ऐसे का सब्जेक्ट था ग्रेटिट्यूड इज ग्रेट। इसमें हमें ये बताना था द पर्सन हु हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड व्हाट ही हैज डन इन योर लाइफ, सो ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। जब सबको मैसेज आया है मिनिस्ट्री से जा रहे हैं, किस तरह से आपके फ्रेंड्स को विश कर रहे हैं स्कूल से? सबसे पहले तो सब मुझे कांग्रेचुलेशंस का, और मैंने भी उन्हें ये बात कही कि इफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ओनली ऑफ सिस्टर प्रिया थैरिस एंड ऑल द टीचर्स गाइडलाइंस, बिकॉज इफ दे डोंट गिव मी द गाइडलाइंस आई कैन बी द सिलेक्टेड इन दैट प्रोग्राम। तो फिर सब ने मुझे काफ़ी गाइडलाइंस दी कि आपको कैसे करना है। सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस मुझे सिस्टर ने दी, टीचर्स ने भी दी गाइडलाइंस, साथ ही मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी आइडियाज़ दिए मुझे कि कैसे करना है, और आज मैं जा रही हूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर के सामने होंगी तो कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में है जो बच्चों के लिए आप उनसे पूछ सकते? हाँ, मैंने सवाल तैयार करा था एक कि जो जनरल प्रमोशन होता है फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, वो या तो स्टॉप कर देना जाना चाहिए या तो फिर चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ अगर वो बच्चा एक दो में फेल हुआ है तो उसे रीटेस्ट करने का चांस देना चाहिए, और नहीं तो अगर वो रीटेस्ट में भी फेल हो रहा है तो उसे रिपीट करने का चांस देना चाहिए क्लास को, क्योंकि अगर वो 9th, 10th, 11th, 12th में आएगा तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करता है जिसके कारण वो कुछ हार्मफुल साइंस भी उठा लेता है जैसे कि सुसाइड करता है। थैंक यू। कार्यक्रम हेतु पलक के चयनित होने पर स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि आसपास के 4 जिलों में से एकमात्र उनके स्कूल से पलक आहूजा का चयन हुआ है। पलक बहुत होशियार बच्ची है जिसने सही मुद्दा उठाया है। प्रिंसिपल ने भी कहा है कि स्कूलों में मिलने वाले जनरल प्रमोशन को बंद किया जाना चाहिए। 5 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हमारे स्कूल से ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। शी हैज बीन वेरी गुड चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स टू आर वेरी कोऑपरेटिव विद द इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली दे हैव बीन टू कोऑपरेटिव व्हेनेवर आई हैव आस्क्ड देम एनीथिंग। सो आई फील वेरी प्राउड and I thank God for picking up that child from our institution. वो बच्चे को इधर से pick up परमात्मा ने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ हों तो ऐसी हों जो कि माँ बाप का नाम रोशन करें, और they may bring glory to their parents and parents should feel proud of their daughters. इधर पलक के चयन से उसके परिजन भी खुश है। proud feel कर रहा हूँ कि मेरी गुड़िया ने जो ऐसे लिखा जो स्कूल द्वारा उनको बताया गया था कि ऐसे ऐसे इस तरह से लिखना है, और उसमें मेरी बिटिया ने बहुत अच्छा लिखा, वो आज हमारा सिलेक्शन हुआ है दादी की कृपा से। आज खंडवा का नाम रोशन करने के लिए मेरी बिटिया जा रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ, ऐसी बिटिया सबको मिले।